वेलकम गाइस, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। इस अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है और उन फैसिलिटी या फिर बेनिफिट के नाम पे आपसे कितने ज्यादा चार्ज ले जाते हैं। और भाई जहाँ आज के डेट में होल्ड लगी पड़ी अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने का, वहीं पे पोस्ट ऑफिस का दो अकाउंट आते हैं। एक IPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, जो कि ऑनलाइन ओपन हो जाता है। भाई मैं इसको ओपन करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। और यही पे इनका अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आप ये ओपन करना। मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों आपको अकाउंट ऑफलाइन जाके ओपन करवाना चाहिए। तो फिर चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी सबसे पहले तो इंडिया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का थोड़ी बहुत जो बेनिफिट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और बेनिफिट क्या यार, बेनिफिट के साथ जो भी इनकी कंडीशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप सबसे पहले तो इसे ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन ब्रांच जाना पड़ेगा। यानी कि अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस जाके आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। ओपन करवाते वक्त आपको 500 रुपए इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और 500 रुपए आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर मेंटेन की बात हो रही है तो इस अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम कितना भी अमाउंट रख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और भाई ये वाला अकाउंट ऑफलाइन ओपन करने से इसमें 2-3 फायदे और हो जाते हैं। खैर ये वाले फायदे तो किसी भी बैंक के अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसी बहाने ये भी 2-3 फायदे आप ले सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो भी ये वाला अकाउंट आप ओपन कर सकते हो अंडर दी प्रेजेंस ऑफ गार्जियन, जो कि आप किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हो। दूसरी फैसिलिटी, आप इस बैंक अकाउंट को मतलब कि एज ए जॉइंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो हम अकाउंट ओपन करते हैं वो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होता है, लेकिन ये वाला अकाउंट आप जॉइंट अकाउंट में भी ओपन कर सकते हो। बस जिसे अपना मेंबर बनाना हो उसको साथ लेके जाना और ये जॉइंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तीसरी फैसिलिटी, वैसे तो जब हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं उसमें हमें मिल ही जाता है, लेकिन जब आप इस अकाउंट को ओपन करोगे तो उसमें भी जो आप पहला नॉमिनेशन ऐड करोगे वो फ्री रहने वाला है। तो ये 2-3 फैसिलिटी है जो कि ऑफलाइन में के बहाने आप ले सकते हो। और इस अकाउंट में आपको योजना से रिलेटेड भी स्कीम मिल जाएगी, जैसे कि एक स्कीम है इसमें आधार सीडिंग का, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, यानी कि आपके अकाउंट से 300-400 रुपए कटेंगे और आपको 2-3 लाख का बीमा मिल जाएगा। तीसरा इसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक और है अटल पेंशन योजना। आप इसके बारे में डिटेल में जाके देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे, अगर मैं इसमें बताने लगा तो ज्यादा ही डिटेल में हो जाएगी वीडियो। तो ये 2-3 स्कीम है जो कि आप इस अकाउंट के तहत ले सकते हो ये भी लाभ। और भाई इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट पे जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% का मिलेगा, यानी कि 4% का इंटरेस्ट आपको पर एनम देखने को मिलेगा। और ये इंटरेस्ट आपको एनम में ही मिलेगा, यानी कि 31 मार्च को पूरे साल में आपने जितना भी पैसा अपने अकाउंट के अंदर रख रखा होगा वो 31 मार्च को उस पे 4% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 31 मार्च को आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरे बैंकों में क्या होता है कि वो इंटरेस्ट जो है आपको 3 महीने, 6 महीने या फिर किसी किसी बैंक में 1 महीने पे भी मिल जाता है, लेकिन इस अकाउंट के अंदर 1 साल के बाद यानी कि हर एक 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जितना भी इंटरेस्ट है 1 साल के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। और इसका दूसरा इंटरेस्ट FD वाला, इस अकाउंट के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो उसमें आपको ये जो इंटरेस्ट 4% का है उसमें आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो। और अगर आप अपने अकाउंट से और भी ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाह रहे हो तो इनकी तीसरी स्कीम आती है जिसे कहते हैं MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के थोड़े बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, पहले आप स्कीम सुन लो। इस स्कीम में क्या है कि आपको एक फिक्स अमाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और उस अमाउंट पे आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट हो चुका है और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके अकाउंट के अंदर मंथली क्रेडिट कर दिया जाएगा। एडवांटेज तो ये कि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका अमाउंट है वो 5 साल के लिए लॉक हो चुका है। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो कि आगे आने वाले सालों में आपको जरूरत नहीं है जिसकी, तो आप उसे MIS स्कीम के तहत अपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवा सकते हो ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। लेकिन मैं सही बताऊं, इन झमेलों पड़ने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब कि AU बैंक जो है वो फिक्स डिपॉजिट पे भी 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। तो आप दोनों को एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। और बात करें अगर इसके डेबिट कार्ड के बारे में, तो उसका डेबिट कार्ड आपको उसकी वेलकम किट के साथ ही मिल जाएगा, जो कि रुपए का एक बेसिक डेबिट कार्ड है। और इस डेबिट कार्ड को कंटिन्यू रन करने के लिए आपको 125 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। और इस डेबिट कार्ड का जो रिप्लेसमेंट चार्ज है वो भाई थोड़ा सा तगड़ा है, 300 रुपए प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि आपका डेबिट कार्ड खोए नहीं या फिर टूटे नहीं। और इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप एक दिन के अंदर किसी भी ATM से 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो और एक ट्रांजेक्शन में सिर्फ 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। समझ गए, एक ट्रांजेक्शन में 10,000 और एक दिन के अंदर 25,000। और भाई ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो उसकी लिमिट भी सुन लो। आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पोस्ट ऑफिस का ATM यूज करते हो, तब आप मेट्रो सिटीज में हो या फिर नॉन मेट्रो सिटीज में हो, आपको एक महीने के अंदर सिर्फ 5 लिमिट दी जाएगी। और अगर आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू किसी दूसरे बैंक का ATM यूज करते हो विड्रॉ के लिए, तो उस केस में अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो 3 ट्रांजेक्शन और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हो तो 5 ट्रांजेक्शन। और भाई अगर आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी
आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको 20 रुपए से 25 रुपए चार्ज देना पड़ सकता है, वो जीएसटी वगैरह सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं। मान के चलो कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे तो आपकी ट्रांजेक्शन डिनाई हो जाएगी। तो जो यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल हुई है इनसफिशियंट फंड होने के कारण, उसके लिए भी आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना एटीएम से विड्रॉ करने से पहले कि आपके अकाउंट में पैसे प्रॉपर हो। तो भाई अगर बात करें इस बैंक अकाउंट के पासबुक और चेकबुक के बारे में, तो सबसे पहले तो जब आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा आपको वेलकम किट तो मिल ही जानी है। उस वेलकम किट के अंदर आपको सिर्फ अपना डेबिट कार्ड और सिर्फ आपको पासबुक मिलेगा, चेकबुक नहीं रहेगी। चेकबुक को अप्लाई करने के लिए आपको मतलब पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, नियर बाय कोई भी पोस्ट ऑफिस चले जाना और वहां से आपको चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और जैसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी आपको चेकबुक मिल जाएगी उसके बाद। लेकिन इनकी तरफ से किसी भी पर्सन को सिर्फ 10 पेज की चेकबुक हर साल फ्री दी जाती है और उसके बाद अगर आप और भी ज्यादा चेकबुक लेना चाहते हो तो 2 रुपए पर लीव्स के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। कुल मिला जुला के एक साल के अंदर 10 पेज की चेकबुक फ्री मिलेगी, उसके बाद चार्ज देना है। तो इस तरह से आपका चेकबुक और पासबुक का भी फंडा क्लियर हो गया। तो इस अकाउंट में थोड़े बहुत हिडन चार्जेस भी हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसका एसएमएस अलर्ट का चार्ज 12 रुपए प्लस जीएसटी आपको पर एनम चार्ज देना पड़ेगा। और इस अकाउंट का दूसरा चार्ज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेलकम किट के साथ आपको पासबुक फ्री में मिलेगी, लेकिन बाय चांस अगर आपसे वो पासबुक खो जाती है, अगर फटफट जाती है, तो अगर आप दूसरे पासबुक के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। और बाय चांस किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपको 500 रुपए मेंटेन कर रखना है, अगर वो मेंटेन नहीं हो पाया तो उसके लिए भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। और इसका चौथा चार्ज अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। और भाई अगर बैलेंस मेंटेन करने की बात हो रही है तो थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन है वो भी सुन लो आप। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करके भी रखते हो और 3 साल के अंदर अगर आप कोई सी भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, ना डेबिट ना ही अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट, तो 3 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट मोड पे चला जाएगा। साइलेंट मोड इन द सेंस आपका अकाउंट डीएक्टिवेट सही हो जाएगा और उसको दोबारा से एक्टिवेट करवाने के लिए आपको अपनी फुल केवाईसी दोबारा करवानी पड़ेगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको पोस्ट ऑफिस में लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि अगर आप अकाउंट होल्ड कर रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन कर लिया करो। और भी बैलेंस मेंटेन करने से रिलेटेड एक और कंडीशन है कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर जो आपको 500 रुपए मेंटेन करके रखने हैं वो आप मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर 0 बटा सन्नाटा है यानी कि नील बैलेंस है, तो भी आपका अकाउंट उस केस में क्लोज कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है या फिर ओपन करवाने भी वाले हो तो उसमें 500 रुपए तो रखना ही रखना है आपको। और भाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये वाला अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते, आपको ये वाला अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन ओपन होगा। और दूसरा इसका डी ग्रेड मेरे को ये लगा कि आप इस अकाउंट से अपना यूपीआई यूज नहीं कर सकते, और यूपीआई अगर आप यूज भी करना चाहते हो तो भाई उसमें भी बहुत ज्यादा तामझाम है। आपको आईपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इन दोनों को मर्ज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये जो यूपीआई की सर्विस है उसे ले सकते हो। लेकिन इसी की जगह जो कोटक 811 है या फिर जो एयू बैंक है जो कि सबसे तगड़ा लगा है मेरे को, वो आपका जीरो बैलेंस भी ओपन हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा, उसमें कोई बैलेंस मेंटेन करके भी नहीं रखना और आप उसे यूपीआई सर्विस, नेट बैंकिंग वगैरह ये सारी सर्विस भी ले सकते हो। ये अकाउंट आप घर बैठे ओपन कर सकते हो, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी और इस अकाउंट में बैलेंस रखने की भी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आपकी फुल केवाईसी हो चुकी है। तो एक बार आप इन बैंक अकाउंट को भी चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और भाई अगर आपने ठान लिया है कि आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन करवाने आए तो पोस्ट ऑफिस भी 2 तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब इन दोनों में मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें, आईपीबी के अंदर आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सिंगल जॉइंट माइनर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो लेकिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियंस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इनिशियल डिपॉजिट 0 है और वहीं पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 500 रुपए इनिशियल डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर मैप की बात करें तो आईपीबी में नील है और पीओएसबी में 500 रुपए है। मैक्सिमम बैलेंस आप 1 से 2 लाख तक ही रख सकते हो और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कोई भी बैलेंस अपर लिमिट नहीं मिलती। और नॉर्मल सी बात है कि आईपीबी में जब कोई बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखना तो उसके लिए आपको कोई चार्ज भी देने पड़ेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 50 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आईपीबी में आपको 2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें आपको क्वार्टरली मिलेगी और उसमें आपको एनुअली 31 मार्च को दे दिया जाएगा। और एटीएम कार्ड की बात करें तो आईपीबी में आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, उसमें भी आपको डेबिट कार्ड के जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसको 25 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। और वहीं पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसके लिए आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। और अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आईपीबी अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो या फिर इनके ब्रांच जाके भी ओपन कर सकते हो, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है आप सिर्फ इनके ब्रांच जाके ओपन करवा सकते हो। अभी यार दिक्कत यह है कि इंडिया जो आईपीबी अकाउंट है उसे आप ओपन तो करवा लोगे ऑनलाइन, उसमें लिमिटेशन भी बहुत है, लेकिन जब आप उसे मतलब फुल केवाईसी उसमें करवाओगे तब आपको इनके ब्रांच ही जाना पड़ेगा,
तो भाई पहले ही आप अगर ब्रांच जाने ही आपको, तो ब्रांच जाके आप इनका जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है वही ओपन करवा सकते हो, वो विदाउट मतलब कि कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगी और जो आपकी फुल केवाईसी है वो भी हो जाएगी। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर आपको स्टार्टिंग में फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, जो कि आईपीबी में फिजिकल डेबिट कार्ड है ही नहीं। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं भी पैसे निकालने पड़े तो भाई उसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम इसमें आप निकाल सकते हो। आईपीबी अकाउंट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में आपको मिल जाएगी, उसे आप कम्प्लीटली देख लेना जरूर, क्योंकि मैंने 2 साल पहले आईपीबी का अकाउंट ओपन करवाया था और उसे मैं बंद करवा चुका हूँ, अभी मैं यूज ही नहीं करता उसे, तो एक बार वो वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में बस आपको यही बताना था कि आपको आईपीबी ना ओपन करके इंडिया पोस्ट पेमेंट ऑफिस बैंक अकाउंट क्यों ओपन करवाना चाहिए। तो भाई ये था कंप्लीट वीडियो इन दोनों अकाउंट के बारे में। और अगर आप कोटक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे मैं इस अकाउंट को बिना कोई चार्ज दिए लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस की तरह यूज कर रहा हूँ।